नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में जिक्र करेंगे उस समय का जब मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे और वो भी किसी किसी के घर होते थे। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किस्सा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि कैसे हम जब लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, कहीं का कहीं मिल जाता था तो उसका क्या रिजल्ट निकलता था। ऐसा ही एक मेरे साथ बीता हुआ है। दोपहर का समय था, एकदम से लैंडलाइन की जो है घंटी बजती है तो मैंने उठाती हूँ, हेलो कहती है, हेलो हाँ डॉक्टर साहब घर में है? नहीं डॉक्टर साहब तो घर में नहीं है, वो तो अभी घर पहुंचे नहीं है। कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे, अभी खाना वाना खाने के लिए दोपहर को आते हैं तो आ जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब आए तो मुझे बताना। मैंने कहा कैसे बताऊं? तो कहना कि अरविंद का फोन आया है। मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी फोन आया है। तो बोले कि तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के उस क्लिनिक पे गया था तो वहां पर डॉक्टर साहब मिले नहीं, तो अब मैंने फोन किया है तो अभी तक डॉक्टर साहब घर में पहुंचे नहीं। तो मैंने कहा भाई क्लिनिक तो नहीं है उनका, वो तो पोल्ट्री फार्म जाते हैं, डेयरी फार्म जाते हैं। कहते पोल्ट्री फार्म जाते हैं, डेयरी फार्म जाते हैं, क्या मतलब? वेटरिनरी डॉक्टर हैं, आपने किसको दिखाना है? बोले मैंने तो अपनी माँ को दिखाना था, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, क्लिनिक पे गया डॉक्टर साहब मिले नहीं और मैंने सोचा मैं घर में फ़ोन करके घर में दिखा लूँ। तो अब जहाँ उसने फ़ोन मिलाया वो डॉक्टर तो है और वो इलाज भी करते हैं, लेकिन वो इंसानों का इलाज नहीं करते, वो डंगरों का इलाज करते हैं, मुर्गियों का इलाज करते हैं, डॉग का इलाज करते हैं, डेयरी फार्म जाते हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें हंसी भी आती है क्योंकि लैंडलाइन में पता नहीं चलता था कहाँ से कहाँ नंबर मिल जाता है। ऐसे ही एक घटना और हुई, मैं एक साथ दो घटनाएं आपको बता रही हूँ। ऐसी एक घटना और हुई तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मैं ना अपनी प्रिंसिपल के घर जा रहा हूँ तो बुक्स लेनी है। तो हमारी जो मेरे बेटे की प्रिंसिपल का घर था वो आधा पौना किलोमीटर दूर था। तो बेटा मेरा छोटा था, 8th क्लास में शायद पढ़ता था, तो साइकिल पे जाता था, तो आने जाने में आधा घंटा और 10-15 मिनट वहाँ, तो पौने घंटे में उसने वापस आ जाना था। तो उसके बाद जब उसको 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया तो मेरे पास प्रिंसिपल का नंबर था, मैंने वहाँ पर अपना फ़ोन कर दिया। तो मैंने बोला हेलो हाँ जी, मैंने कहा मिसेस खुलर बोल रहे हो? हाँ जी खुलर बोल रही हूँ। मैंने कहा मेरा बेटा आया होगा जूजू से मिलने, उसके बेटे का नाम जूजू था। तो कहते हाँ कोई आया तो था जूजू से मिलने के लिए। तो मैंने कहा फिर? कहते अभी तो वो बैठे हुए हैं। ठीक है बैठे हुए हैं, जब भी फ्री हुए तो उनको भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगी मैं, भेज दूंगी। उसके बाद अपना हम नॉर्मली बातचीत करते रहे, गपशप मारते रहे, हस्बैंड कैसे हैं, फैमिली कैसी है, घर परिवार कैसा चल रहा है, 10-10 मिनट हम बात करते रहे करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा, मैंने कहा अनुपम को कह दो कि मम्मा उसकी ना फिक्र कर रही है तो भी वो घर आ जाएगा। तो वहीं से फ़ोन से आवाज़ करती है, हेलो जुजू तुम्हारा दोस्त आया हुआ है अनुपम? बोला ना मेरा तो कोई दोस्त नहीं आया अनुपम। तो उसने मेरे को कहा नहीं मैडम जुजू का तो कोई दोस्त अनुपम नहीं आया। तो बोले कौन है फिर उसके पास? मैंने तो अभी आपसे फ़ोन किया है, आपने कहा कि आया है। कहती ना ना आया तो है उसका फ्रेंड, लेकिन उसका उसके दोस्त का नाम तो कुछ और है, आप अनुपम बता रहे हो। मैंने कहा आप मिसेस खुलर ही बोल रहे हो ना? बोली हाँ मैं मिसेस खुलर बोल रही हूँ, मैं आपके बेटे का नाम जूजू है। बोले हाँ मैं जूजू की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने कहा आप SBS स्कूल में प्रिंसिपल हैं ना? कहती ना मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। मैंने कहा ओहो मेरा नंबर लगता है कहीं और मिल गया, मैं तो अपने बेटे की प्रिंसिपल के घर फ़ोन करी थी जहाँ से वो कॉपी कुपी लेने के लिए गया था। तो आप ये देखो कि क्या इंसिडेंट है, को इंसिडेंट कह लो, कि जिस नंबर पे मैंने फ़ोन किया वो नंबर भी मिसेस कूलर का ही था, उसके बेटे का नाम भी जूजू था, लेकिन वो SBS स्कूल की प्रिंसिपल नहीं थी। उसके जूजू का दोस्त भी आया हुआ था, यानी कि मेरा बेटा भी गया हुआ था। तो ये क्या को इंसिडेंट है कि एक ही टाइम में हम जहाँ बात करते हैं वही का वही बंदा होता है, लेकिन वो हमारा बंदा नहीं होता। तो लैंडलाइन में कई बार ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं कि हम बगैर जाने कि हमारा किससे हमारी बातचीत हो रही है, हम बगैर जाने बातचीत करते रहते हैं, सिर्फ नाम वही होता है लेकिन रिलेशन जो है अलग होता है। तो लैंडलाइन में ऐसे कितने ही मज़ेदार किस्से होते रहते हैं। तो ये भी दो किस्से जो थे जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही मज़ेदार थे, कि हम फ्रीक्वेंटली बगैर किसी झिझक के डर, बगैर किसी झिझक के बात कर रहे हैं क्योंकि सुनने वाला जो है वो हमारा अपना है
और सामने वाला भी हमसे वैसे ही बात कर रहा है तो ऐसे हो जाता है कई बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे ही था कि कैसे अनजाने में हम जब नंबर डायल करते हैं तो सामने वाला भी कोई अपना ही निकल आता है, चाहे वो नाम से ही अपना हो, और खुल के हम उससे बातचीत कर लेते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।